नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव से बड़ी खबर आ रही है, जहां मजदूरों से भरे ओवरलोडिंग पिकअप वाहन पलटने से 15 मजदूर हुए घायल। आपको बता दें कि घायलों को गोटेगांव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां कुछ गंभीर घायल थे जिनको जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। यह पूरी घटना नरसिंहपुर जिले के गोटेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुंडा के पास की है, जहां जिला सिवनी के धूमा थाना क्षेत्र के ग्राम खापा के मजदूरों से भरी हुई पिकअप वाहन नरसिंहपुर से गोटेगांव आ रही थी और बीच रास्ते में ही पलट गई। ये सभी मजदूर धान के खेत की निदाई करने जा रहे थे। जैसे ही वाहन पलटा, स्थानीय लोगों ने स्वास्थ्य विभाग को सूचना दी और मौके पर एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को गोटेगांव अस्पताल भेजा गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज किया गया। वहीं कुछ गंभीर रूप से जो घायल थे उनको मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया है। किसी की बातों में मत आइए, हम नहीं कह रहे डॉक्टर हैं। हम आपको कहाँ से आ रहे थे आप लोग? खापा से आ रहे थे। किस चीज से आ रहे थे? धान लेने के लिए। तो क्या घटना घटी आपके साथ? पिकअप पलट गई। कितने लोग थे पिकअप में? कम से कम 35 आदमी। क्या नाम है आपका? दसन जी। सर क्या मामला था, क्या घटना घटी है? अभी आधा घंटे पहले ग्राम खापा से कुछ मजदूर वर्ग मजदूरी के लिए गोटेगांव आ रहे थे, तो रास्ते में वो एक पिकअप वाहन से आ रहे थे, उसमें 25 से 30 लोग सवार थे और वो रास्ते में पलट गया, जिससे कम से कम 15 से 20 लोग घायल हो गए हैं और उसमें से काफ़ी लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोटेगांव में आए हैं। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है और एक दो लोग जो ज़्यादा गंभीर स्थिति में थे उनको मेडिकल कॉलेज जौलपुर के लिए रेफर कर दिया है। क्या नाम है? मेरा नाम डॉक्टर इंदल सिंह डंडोतिया, मेडिकल ऑफिसर CSC गोटेगांव। जरा ओ पाने वाले रुक जा, जरा रुक जा, जल्दी चालू करो, रुक तो जाओ, हां चले रुक जा, आप ये रुक जा ये। घबरा भाई का नाम है उनको नाम फिर रही गाड़ी का है ना, फिर गभाई दे रही है चक्कर अभी ने फोन लगा हूँ भाई।